हेलो दोस्तों, लो आ गई अर्चना की चटपटी रसोई। आज हम बहुत ही आसान तरीका से घर पर ही बनाएंगे बेसन के लड्डू। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 500 ग्राम, नकुल दाना 250 ग्राम, घी 250 ml, काजू 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, इलायची पाउडर 2 छोटे चम्मच। तो आइए बनाते हैं ये आसान रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में घी को गर्म कर लेंगे। घी गर्म करने समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि घी में से कोई धुआं ना निकले। अब हम इसमें धीरे धीरे बेसन को डालकर मिला लेंगे। इसे हम लगातार धीमी आंच पर मिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े और ये नीचे से जले ना। इसे देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि बेसन ड्राई हो रहा है और घी सूख गया है, लेकिन आप इसमें और घी मत डालिएगा। आप इसे लगातार धीमी आंच पर धीरे धीरे इसे चलाते रहिए। इसे धीमी आंच पर चलाते रहें, आप देखेंगे कि बेसन में एक चमक आ जाएगा और घी भी दिखने लगेगा। इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक बेसन का कलर ब्राउनिश ना हो जाए। ऐसा होने में थोड़ा समय लगेगा, पर आपको आंच को तेज नहीं करनी है और बेसन को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा। पाँच से सात मिनट तक इसे भुनने के बाद इसका कलर ऐसा हो जाएगा। देखिए, ये अब धीरे धीरे घी भी छोड़ रहा है।
दो मिनट और चलाने के बाद ये एक डो जैसा बनने लगेगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम नकुलदाना को पीसकर पाउडर बना लेंगे। भुने हुए बेसन में हम नकुलदाना का पाउडर डाल देंगे। इसमें हम काजू, किशमिश और पिसी हुई इलायची डालकर इन सभी को मिला देंगे। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ध्यान रखें कि कहीं बेसन ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, नहीं तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण अपने हाथों में लेकर इसको दबा दबा कर इसके लड्डू बनाएंगे। इतनी आसान रेसिपी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी इतनी आसान है तो लोग घर पे क्यों नहीं बनाते हैं। इसका जवाब है चीनी की चाशनी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए अक्सर लोग चीनी की चाशनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीनी की चाशनी बनाने समय कभी चाशनी पतली हो जाती है तो कभी जल जाती है, तो ये चाशनी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिना चाशनी के सिर्फ नकुलदाना के पाउडर को इस्तेमाल करके हम आसानी से बेसन के लड्डू को बना लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जय जगन्नाथ।